हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अपना, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये कैरी है, थोड़ी बड़ी साइज के लेना है इस तरह। कैरी को मैंने पूरा छील लिया है, इस तरह से पूरा छील लेना है। इस तरह से ये पूरा छील लिया है। छीलने के बाद इसके ऐसे बड़े बड़े टुकड़े कर देना है, इस तरह। ये पूरा पूरा निकाल देना है कैरी का। इस तरह से पूरा हमें निकालना है। और निकालने के बाद ये जो पल्प है, अभी इसका पल्प हो जाएगा, इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अभी मैं गैस शुरू कर देती हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाल के रखा है और ये छलनी डाल के रखी है। अभी इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं, बिल्कुल मैं विदाउट पानी है ये। अभी मैं इसमें रख देती हूँ। रखने के बाद हमें इससे 3 सीटियाँ निकालनी है। अभी हमारा कुकर ठंडा हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। हमारा पल्प इस तरह हो जाएगा। ये बहुत ही इजी मेथड है। इसमें हम नमक, आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और थोड़ी थोड़ी करके शक्कर इसी में डाल देंगे। ये गरम है तो शक्कर जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। 3 कटोरी शक्कर मैंने ली है। मैंने 2 बड़े बड़े आम लिए थे। इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ज्यादा पल्प भी हो जाएगा और इजी भी होगा। अभी इसे हम मिक्सी में से निकाल लेते हैं। अभी हम मिक्सी के पॉट में डाल के इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा किया था। इस तरह हमारा पल्प हो जाएगा। बाकी का मैं कर लेती हूँ। दो आम का इतना सारा पल्प तैयार हो गया। मैंने इतने बड़े बड़े 2 आम लिए थे तो इतना पल्प तैयार हो गया। अभी हम बनाते हैं पना। ये पल्प है। पल्प पहले ले लेना है। मैंने 3 चम्मच पल्प ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इस तरह से अभी हम इसमें आइस डाल देते हैं। और ये आम का मैंने कट करके रखा था, ये लगा दिया। ये प्लेन वाला नागपुर में बहुत ही पसंद करते हैं और सबके यहाँ डेली बनता है। तो अभी मैं दूसरा बताती हूँ, दूसरा टाइप में बताती हूँ। इस तरह से मैंने दूसरा करके रखा है। इसमें 2 आइस क्यूब मैंने डाल देती हूँ। अभी इसमें
मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ जो कि मुंबई में बहुत पसंद किया जाता है। एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। आपका आपको जो फ्लेवर पसंद आए वो फ्लेवर से आप बनाइएगा। और थर्ड वन मैं इसमें भी थोड़ा आइस डाल के रखती हूँ। और इसमें डाल रही हूँ मैं मिंट फ्लेवर। पुदीना की चटनी बना के रखी थी वो मैंने डाल दी है, तो मिंट फ्लेवर हो जाएगा और इतना बढ़िया लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तीन फ्लेवर के हमारे मिंट फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से डाल देती हूँ, रख देती हूँ। हमारे ये थ्री टाइप्स के पना हो गए हैं। ये समर सीजन में बहुत ही यूजफुल है, इसे धूप नहीं लगती। और ये जो हमने पल्प करके रखा है इसे आप फ्रिज में रखिए, 4 से 5 दिन ये आराम से रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े निकाल के अपना ग्लास में लेके आप अपना पना बना सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू।